देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 19 अप्रैल 2022 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 32 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 101 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आए, 38 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 290 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 23 नए कोविड के मामले, 11 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 75 है। नंबर चार, हरियाणा में आज 234 नए कोरोना के मामले, 148 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 997 हैं। नंबर पांच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए हैं, 37 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 189 हैं। नंबर छह, असम में कोरोना वायरस के कोई भी मामला सामने नहीं आया है, मरीज भी कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 1349 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 53 नए कोरोना के मामले, 44 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 1515 है। नंबर आठ, उत्तराखंड में आज कोरोना वायरस के 9 नए मामले सामने हैं, 4 लोग ठीक हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 389 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27 नए मामले सामने हैं, 26 लोग ठीक हुए हैं और कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 232 है। नंबर 10, पांडिचेरी में आज कोई भी कोरोना का मामला नहीं है, कोई भी मौत नहीं, कोई भी रिकवरी नहीं, सक्रिय मामलों की संख्या 3 है। नंबर 11, गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6 मामले, 4 रिकवरी और कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई, सक्रिय मामले 19 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस का 1 नया मामला सामने आया है, इस दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 43 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की, सक्रिय मामले 105 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 955 नए मामले सामने हैं, 1350 लोग ठीक हुए हैं और 213 लोगों की मौत हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2476 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना संक्रमण के मामले, मौतें कोई भी नहीं, 2 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 43 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 3 नए कोरोना के मामले सामने हैं, 1 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 12 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं और 7 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान कोई भी व्यक्ति की मृत्यु दर्ज नहीं हुई है, सक्रिय मामले 63 हैं। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मामले सामने हैं, 6 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 53 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 2 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, कोई भी कोरोना से ठीक नहीं हुआ है, कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, सक्रिय मामले 14 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 11 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 160 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का 1 नया मामला सामने आया, इस दौरान कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामला 1 है। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 59 नए मामले सामने हैं, 71 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामले 634 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 115 नए कोरोना के मामले आए हैं, 29 डिस्चार्ज हुए, 1 मौत दर्ज की गई, सक्रिय मामले 695 हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 501 नए मामले सामने हैं, 290 रिकवरी हुई है, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 1729 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, इस दौरान 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 6 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का 1 नया मामला सामने आया है, इस दौरान 4 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 9 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 5 नए कोरोना के मामले, 13 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 67 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण का 1 नया मामला सामने आया है, इस दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 4 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 99 नए मामले सामने आए, इस दौरान 129 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 559 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।